बिन ब्याह किए ये एक्ट्रेसेस बनी माँ, बच्चियों को गोद लेकर संवारा भविष्य। जिंदगी में माँ बनने का सुख क्या होता है, ये एक माँ से बेहतर और कौन जान सकता है। हर लड़की के लिए माँ बनना एक नया जन्म लेने के बराबर होता है। इस अनमोल रिश्ते को हर माँ सहेज कर रखती है। आपने ये सुना होगा कि भगवान हर जगह नहीं पहुँच सकते, इसलिए उन्होंने धरती पर माँ को अपने रूप में भेजा है। बॉलीवुड ने यूं तो हजारों ऐसी महिलाएं जिन्होंने पति से अलग होकर बच्चों की अकेले परवरिश की, लेकिन ऐसी भी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने शादी किए बिना अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनकी देखभाल कर रही हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे समाज में कई तरह के बदलाव हमें देखने को मिले हैं। लोगों की सोच बदली और लोग आगे बढ़ने लगे। महिलाओं ने भारतीय समाज ने कई परंपराओं को तोड़ा। कुछ सालों में समाज में आए बदलाव के कारण महिलाओं ने अपनी सीमा रेखा लांघ कर एक नया सफर तय किया है। इस लंबे और कठिन सफर के बाद आज की महिलाएं अपनी मर्जी से अपने फैसले लेने के लिए सक्षम हैं। इन्हीं में से एक बड़ा फैसला अनाथ बच्चों को गोद लेना का रहा। सुष्मिता सेन। बॉलीवुड में इन बच्चों को नया नाम देने के लिए जब भी किसी अभिनेत्री के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहला नाम मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन का आता है। सुष्मिता सेन ने आज तक शादी नहीं की, लेकिन वो दो बेटियों की माँ है। उन्होंने महज 25 साल की उम्र में पहली बेटी रेनी को गोद लिया था, उसका पालन पोषण किया और फिर 10 साल बाद दूसरी बेटी अलीशा को गोद लिया। वो आज भी दोनों बेटियों की अकेले परवरिश कर रही हैं। रवीना टंडन। यूं तो रवीना टंडन ने साल 2004 में शादी कर ली थी, लेकिन शादी करने से पहले उन्होंने दो बेटियों को गोद लिया था। बड़ी बेटी छाया और छोटी बेटी का नाम पूजा है। पिछले साल उनकी बड़ी बेटी छाया ने बेटे को जन्म दिया है। रवीना आज 4 बच्चों की माँ है। शादी के बाद पति अनिल थडानी से उनकी एक बेटी राशा और बेटा रणबीर है। प्रीति जिंटा।